ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक ऑन स्किन द गाइस। आज मेरे को इधर मिल चुका है OB43 का एडवांस सर्वर, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे अपडेट्स जो कि गेम के अंदर आने वाले हैं। और लिटरली इतना सही अपडेट्स है ना कि आप लोग सुनकर खुश हो जाओगे। कैरेक्टर अपडेट हो गया, मैप अपडेट्स हो गया और भी बहुत कुछ जो कि गेम के अंदर ऐड हुई है। सच्ची में यार वर्थ इट है, ठीक है। उससे पहले गाइस सारे बंदे वीडियो को कर दो लाइक और जितने बंदे भी चैनल पर नए हो चंगो कर दो सब्सक्राइब। पहला अपडेट जो निकल के सामने आता है वो है गेम के अंदर आने वाला न्यू कैरेक्टर जिसका नाम होने वाला है राइडेन। और गाइज मैं सच्ची बता रहा है, ठीक है, इसका स्किल ना गेम चेंजिंग होने वाला है। ये फ्री फायर में कम्प्लीटली न्यू होने वाला है, ठीक है। ऊपर से तो ये एक्टिव स्किल है। अभी मैं आपको गेम के अंदर जाके दिखाऊंगा कि इसका स्किल क्या काम करता है। उससे पहले गाइज मैं बाकी कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, हेटफुल कैरेक्टर की जिसको हम कुछ ज्यादा ही हेट करते हैं, लाइक सोनिया हो गया, दिमित्री हो गया, ओरियन हो गया। इनकी ना वाट लगने वाली है, इस बार गैरना वालों ने खोल के बचा दी। अगर मैं बात करूँ सोनिया की तो गाइस शील्ड ड्यूरेशन 3 सेकंड से 2 सेकंड हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता होगा गाइस, जब भी हम लोग सोनिया बनते थे फिर किसी और को मारने के बाद हम लोग ना रिवाइव हो जाते थे। बट अब क्या होने वाला है, सोनिया बनने के बाद आप किसी को मारो या ना मारो फिर भी आप नॉक होने वाले हो, जो कि मेरे को काफी बढ़िया अपडेट लगा। इस बार सोनिया की तो बैंड बज गई भाई। आने वाले अपडेट के बाद सोनिया से डरने की कोई बात नहीं है गाइस। मैं खुद सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर हूँ, मेरे को पता है सोनिया ने कितना गंदा इम्पैक्ट कर रखा था गेम के अंदर, जो कि फाइनली खत्म होने वाली है। आई नो कम्प्लीटली कैरेक्टर रिमूव तो नहीं हुआ बट जो भी है बहुत ठीक है भाई, पहले से तो बहुत ज्यादा ही बेटर है। एंड मैं ओरियन की बात करूं तो गाइस मूवमेंट की स्पीड ना 20% से कम हो चुकी है। जब भी आप लोग ओरियन बनोगे ना तो पहले से 20% कम स्पीड में आप लोग ऐसा मूवमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर मैं इग्निस कैरेक्टर की बात करूं जो कि हाल ही में गेम के अंदर न्यू आया था, तो गाइज ये ना आने वाले टाइम पे अपग्रेड होने वाला है। इसकी स्क्रीन ड्यूरेशन टाइम 8 सेकंड से 10 सेकंड होने वाली है। आर्मर ड्यूरेबिलिटी लॉस 10% से 20% होने वाली है। कूल डाउन का टाइम भी कम हो चुका है 10 सेकंड से। ओवरऑल काफी अच्छा होने वाला है। बाकी मैं बात करूं तत्सुया कैरेक्टर की तो गाइज इस बार गैरना वालों ने इसकी कद थोड़ी ना नीचे कर दी, मतलब बेकार कर दिया है। आपको पता होगा तत्सुया हम लोग 3 बार यूज कर पाते थे बट अपडेट के बाद इसकी लिमिटेशन 3 टाइम्स से 2 टाइम्स कर दिया है, तो ये मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसको मैं खुद ही यूज करता हूँ अभी के टाइम पे। बात करूं अगले एक्टिव कैरेक्टर की जो कि है होमर, तो गाइस अपडेट के बाद काफी बढ़िया होने वाला है। इसका एक्सप्लोजन रेंज 4 मीटर से 5 मीटर हो जाएगा। फायरिंग रेट रिडक्शन 35% से 40% हो जाएगा। कूलडाउन 30% से कम हो जाएगा। बाकी मूवमेंट स्पीड रिडक्शन 20% से कम हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल बात करूं तो काफी बढ़िया होने वाला है। उसके साथ अपडेट के बाद क्रोनो के अंदर भी चेंजेस दिखने वाला है। इसका कूलडाउन 110 सेकंड से 75 सेकंड हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया अपडेट है यार। अभी हम लोग ना पुराने टाइम के क्रोनो बार बार यूज कर सकते हैं। अगले कैरेक्टर की मैं बात करूं जो कि है हुकोंग, तो इसका एक माइनर सा चेंज है। आपको पता होगा जब भी हम लोग हुकोंग बनते थे फिर थोड़ा ना मूवमेंट स्लो होता था, तो अभी वो हटने वाला है। जैसा नॉर्मल हम लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम स्किल लगाने के बाद भी होने वाला है। कैरेक्टर्स की तो बात खत्म होगी, अभी गेम के अंदर न्यू कॉम्बैट ट्रेट नाम का कुछ आने वाला है। तो ऐसा 5 कॉम्बैट ट्रेट रहेगा, ठीक है, मतलब लोडआउट्स बोल सकते हो। किल करने के बाद ना लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो गेम स्टार्ट करने से पहले। चूज करने के बाद ये 3 आइटम्स मिलेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा किल्स करोगे लेवल भी बढ़ता जाएगा और ये सारे आइटम्स आपको ऑटोमेटिकली बैग के अंदर आ जाएगा। बाकी सब तो सही है। अभी आप लोग ये देखो नेक्स्ट एरा 2.0। यस गाइस, आप सभी ने सही सुना, OB43 अपडेट के बाद नेक्स्ट एरा मैप कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। बहुत सारे जगह पे बहुत सारी चीजें एड ऑन्स हुई है, जो कि काफी बढ़िया भी है और कुछ कुछ बढ़िया नहीं भी है। एक तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा जो कि ये जीप वे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले जीप वे रेगिस्तान जैसा हुआ करता था, इधर से उधर हम लोग जीप लाइन लेके जा सकते थे, बट अभी देखो पूरा बिल्डिंग बन चुका है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है मुझे, पहले वाले से तो बहुत बेटर है। और साथ ही गेम के अंदर न्यू गन भी आने वाला है, वो भी स्नाइपर। अरे रुको, सामने मिल भी गया। ये देखो गाइज VSK-94, कितना बड़ा नाम है यार। नाम को छोड़ो, काम पे ध्यान देते हैं। ये स्नाइपर सच्ची बता रहा गाइस, AWM और ME2B, M24, Kar98 सबको टक्कर दे देंगे। इसका नाम भले बेकार हो, ठीक है, बट काम बहुत ही बढ़िया करता है। अभी क्या ग्लिच हो रहा है भाई, बॉडी डैमेज भी काफ़ी बढ़िया जाता है और हेड भी 900-1000 का लगता है विदाउट कैरेक्टर स्किल, ठीक है। वैसे आप लोग मेरे को ये बताओ आपको ये वाला जगह कैसा लगा, पहले वाला बेटर था या फिर ये वाला बेटर है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी मेरे से पूछोगे तो गाइस मेरे को ठीक ठाक ही लगा, पहले वाला भी अच्छा ही था बट पहले वाले से बेटर है, ठीक है, क्योंकि पहले खुला खुला था, बस 2-4 घर थी, उतना ही था। और ये बंदा है, अरे बबुआ, देखो बॉडी डैमेज 120 का और हेडशॉट 900 का। देखा गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, एक बंदा पीछे भी है। अरे बबुआ, ये लो हेडशॉट। यार जगह तो सही है यार, कवर फाइट हम लोग आराम से कर सकते हैं।
अच्छा एक और चीज दिखाना बाकी है जिसको देखकर आप लोग सच्ची में शौक भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे, इतना अच्छा चीज दिखाने वाला हूँ। चलो बंदा तो मर गया। गाइज ये देखो गेम के अंदर हमारा पुराना वाला डेंजर जोन वापिस से रिटर्न आ रहा है, जो कि काफी बढ़िया वाली बात है। फ्री फायर वालों ने इस पर दिल जीत लिया भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या ही तो साउंड है यार, सुकून गाइस सुकून। चलो इसी बात पे हेडशॉट भी मार दिया। अरे हाँ एक और चीज देखो गाइस, अभी ना मेरे सिर के ऊपर एक किंग जैसा कुछ आ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये ताज उसके ऊपर ही आएगा जिसने गेम के अंदर सबसे हाईएस्ट किल किया होगा। और उसके बाद ना गाइज रुको, पहले ना मेरे को किल करना है। जैसे ही आप किसी को किल करोगे ना, उसके बाद आपका लोकेशन सारे बंदे देख सकते हैं, ठीक है, कि आप इधर हो करके। तो ये अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है। देखो वापस से दिखा रहा है ना। और हाँ किल करने के बाद ना आपके आसपास के एनिमी भी मैप पे लोकेट हो जाते हैं, और वो आप भी देख सकते हो, आपके टीममेट्स भी देख सकते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। वैसे अपडेट के बाद आपको मैप में हर जगह साइबर मशरूम देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर ना ऐसा सिंबल बना रहता है, और ये ना तीन टाइप का रहता है। पहला वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इससे आपको एनिमी का लोकेशन पता चलेगा लाइक अ क्लू कैरेक्टर। दूसरा ये के लिए, ठीक है, जैसे आप लोग इसको यूज़ करते हो ना, फिर आपका ऑटोमेटिकली वो एनर्जाइजर होता है ना, उसकी तरह मूवमेंट बूस्ट हो जाएगा कुछ समय के लिए। और तीसरे वाले साइबर मशरूम के ऊपर ऐसा प्लस वाला सिंबल रहेगा, जिसका मतलब है आपका ईपी और एचपी बढ़ेगा, जैसे आप लोग इनहेलर्स लेके बढ़ाते हो, सेम वैसा ही। और हाँ एक और चीज़ आपको पता होगा, आर्सेनल खोलने के लिए हमको चाबी की ज़रूरत पड़ती थी, बट अपडेट के बाद ना गाइस ये पूरा ही खुला होने वाला है। हम लोग डायरेक्टली इसके पास उतर के लूट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है, कुछ वेट करना नहीं पड़ेगा, खुला रहेगा। लेकिन इसका जो वो घर है ना, घर का कलर और डिज़ाइन मेरे को उतना पसंद नहीं आया, पहले वाला ही बेटर था यार, वो हम लोग आर पार अच्छे से देख पाते थे। इसका कलर देखो ना ब्लैक एंड वाइट, मेरे को पूरा ही बेकार लग रहा है। आपको कैसा लगा आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से शेयर करना। कैरेक्टर स्किल की अगर मैं बात करूँ तो गाइज रुको, पहले मैं यूज़ करता हूँ, और ये देखो ये सीधे ना इसको पकड़ के रखेगा एक जगह पे, ठीक है, और इसको 40 का डैमेज भी देगा, और तब तक भाई कोई भी इनमें आराम से मार सकता है ना। गाइज ये देखो प्लाजेरिया भी ना पूरा ही चेंज हो चुका है, पहले ये घर तो था भी नहीं इधर। सही लग रहा है यार, कुछ भी बोलो, पहले से तो बेटर ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर से बताना। और मैं बरमूडा मैप की बात करूँ तो अपना विंटरलैंड वाला इवेंट खत्म होने वाला है, सारा कुछ पहले जैसा ही हरा भरा होने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया भी है यार। ये आइस वाला ग्राफिक्स मेरे को उतना पसंद भी नहीं था, अभी हरा भरा हो जाएगा तो बहुत सही दिखेगा। अगली अपडेट की मैं बात करूँ तो गाइस हमको लैंडिंग के टाइम पे एक गन मिलने वाला है, जो कि होने वाला है UMP, क्योंकि यार मैंने 4 से 5 गेम खेला, ठीक है, और बैक टू बैक मेरे को बस UMP मिला है, तो शायद से बस UMP मिलने वाला है। वैसे अपडेट के बाद हमको व्हीकल्स के अंदर भी चेंजेस दिखने को मिलेगा। आपको पता होगा एक ब्लू कलर का ट्रक होता है जिस पे हम लोग बस 2 ही जन बैठ पाते हैं, लेकिन यार अपडेट के बाद से उसमें भी हम लोग 4 पैसेंजर इजीली बैठ सकते हैं और आराम से ड्राइव कर सकते हैं। और बात करूँ ट्राईसाइकिल मेरा मतलब ऑटो की, तो गाइस अपडेट के बाद ना उसका स्पीड इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होने वाला है, बाकी गाड़ी की हेल्थ थोड़ी सी बढ़ने वाली है। और उसी के साथ मॉन्स्टर ट्रक पे भी एक अपडेट है, जो कोलिजन डैमेज होता है ना वो बढ़ने वाला है, और गाड़ी का हेल्थ ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, और बाकी उसकी स्टेबिलिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया होने वाली है। चलो तो यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू।